हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे होंगे। तो उठ के थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, आ गई हूँ किचन में। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी सूजी की इडली। तो उसके लिए मैंने तैयारी पहले रात को ही करके रखती थी। तो यहाँ पे सूजी जो है मैंने भिगो के रख दी थी रात को ही। ये जो यहाँ पे जो है मैंने चने की दाल भी भिगो के रख दी है। देखिए, चटनी बनाऊंगी नारियल डालकर, और सांभर के लिए लौकी और टमाटर निकाल के रख दी हूँ। और ये देखिए, ये जो नाक पे मेरा निकल गया था ना, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है, तो ये शायद रात को मेरे से नाक खून लग गया होगा, इसीलिए ब्लड जैसा निकल गया है, सूख गया है। तो इसको भी साफ भी करना है, कैसे गंदा लग रहा है ना। बट पता नहीं, रात को नींद में शायद नाखून से मैंने खरोच लिया होगा, इसीलिए सुबह उठ के देख रही हूँ तो ऐसा हो रखा है। तो उसके पहले मैं जो है कपड़े बाहर डाल दूँगी। वॉशिंग मशीन में मैंने रात को ही लगा के रख दिया था। तो चलिए फिर मैं कपड़े डाल लेती हूँ, फिर आके आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जो कल इवनिंग में मैंने गर्म किया था, वही अभी सुबह गर्म कर दूँ, गर्मी है ना, फिर फट जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने सांभर बॉयल करने के लिए रख दिया है, लौकी और टमाटर हल्दी नमक डालकर। तो चलिए अब चलती हूँ मीठा नीम मतलब करी पत्ते तोड़ने बाहर, और आज आप लोग को अमरूद का पेड़ भी दिखाती हूँ। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ आज अमरूद का पेड़। तो करी पत्ते भी मैं तोड़ूंगी, उसके पहले मैं आप लोग को जो है ना अमरूद का पेड़ दिखा देती हूँ। तो बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। तो ये देखिए, फूल वगैरह भी मैंने नहीं तोड़ा है अभी, बस थोड़ा ही जो किचन का काम किया है, इधर का काम नहीं की हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो पीछे साइड में है थोड़ा अमरूद का पेड़, और बहुत सारे अमरूद लग रखे हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे। ये देखिए, चिड़िया जो है बहुत चहक रही थी, देखिए। तो खूब ज़्यादा बड़ा नहीं है पेड़, बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, तो बहुत अमरूद लगते हैं। और ये तो अभी बहुत छोटे साइज में है, अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये देखिए, पूरे ही पेड़ में जो है अमरूद भरे हुए हैं। तो बस अब जो है करी पत्ते तोड़ ले रही हूँ। देखिए कितने फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा हो रखे हैं, बारिश के मौसम में तो हर पेड़ हरा भरा हो जाता है, और बारिश हुई थी ना, इसलिए पत्तों पर जो है पानी भी लगा हुआ है। और पत्ते तोड़ने के बाद जो है ना, मैंने फूल भी तोड़ लिया था। तो देखिए, बस इतने ही अभी कम फूल हो रहे हैं, नहीं तो गर्मियों के दिन में तो बहुत ज़्यादा फूल होते, अभी पता नहीं क्यों बारिश का मौसम है फिर भी फूल बहुत कम हो रहे हैं। तो बस जितने हुए थे उतने ही मैंने तोड़ लिए हैं। लड्डू बाबू लोग के लिए भोग लगाने के लिए दूध भी मैंने गर्म करने रख दिया था। तो इधर और काम करते हुए ना, दूध थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो इसको जो ना फेंट कर थोड़ा ठंडा कर लूँगी। और जो झाग बनता है, तो लड्डू गोपाल लोग को ना झाग वाला दूध बहुत पसंद होता है, चलो इसी बहाने जो है लड्डू गोपाल लोग को झाग वाला दूध भोग में लग जाएगा। तो बस फटाफट से जो है ना, मैं फेंटते हुए दूध को थोड़ा ठंडा कर लूँगी और तुलसी पत्ता डाल लूँगी। तो रेडी है दूध लड्डू बाबू के लिए। चलिए फिर लड्डू बाबू लोग को जो है मैं भोग लगा देती हूँ। ये देखिए, मैंने जो है लड्डू गोपाल लोग के लिए
मतलब भोग लगा दिया है दूध का, और कमेंट आया था कि आप अपने लड्डू गोपाल का नाम बताइएगा, तो आज मैं बताती हूँ। ये बड़ा वाला जो है गोपू है, और ये है लड्डू, और छोटा वाला जो है ना इसका नाम है कान्हू, ये है कान्हू, और ये जो है ये है माधव। तो चार लड्डू गोपाल के नाम मैंने बता दिए हैं, गोपू, माधव, कान्हू और लड्डू, चारों लाइन से बैठे हुए हैं। तो देख लीजिए आप, आज जान भी लीजिए इनका नाम। तो जो है ना लड्डू गोपाल लोग को भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इडली बनाऊंगी तो चटनी भी बनाना है। दाल मैंने पहले ही रोस्ट करके भिगो के रख दिया था, और तो केशव को मैं बुला ली हूँ कि नारियल पथार दो। तो बस जो क्लिप थी ना बनाने की, पता नहीं गैलरी क्लियर करने के चक्कर में ना डिलीट हो गई, कुछ भी नहीं बचा, बस ये जो बचा था मैं ऐड कर दी हूँ। तो बस इडली सांभर चटनी सब रेडी हो गया था, तो लगा ले रही हूँ प्लेट। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी सांभर चटनी और इडली रेडी है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाई मैं। तो बस जो है ना केशव को नाश्ता बना के दे दी, वो खा के जो सोप चला गया। अब जो मैं है आराम से शांति से पूजा करूँगी, तो यहाँ पे जो मंदिर की पूजा करूँगी, बाहर का गणेश जी का सब जगह का पूजा करके फिर मंदिर की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं मंदिर की पूजा कर ले रही हूँ। इसके बाद जो है मंदिर की पूजा होने के बाद लड्डू गोपाल लोग को नहला के स्नान करा के उनका श्रृंगार वगैरह पूजा सब करूँगी। तो चलिए आप लोग आगे बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दिल से। और जो न्यू है, आज नए इस वीडियो में न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो पर, पसंद आए वीडियो तो। मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियो आप लोग को देखने मिलते रहेगा, अगर आप लोग को इस तरह के वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में जो है मेरी पूजा भी हो गई है, कर ले रही हूँ आरती। गोपाल लोग को भी जो मैंने है ना स्नान करा के इनका भी श्रृंगार कर दिया था, पूजा भी कर ली थी, तो आप लोग को भी थोड़ा दर्शन करा दे रही हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो पूजा होने के बाद पेट पूजा भी हुई, नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ हो गया था। तो कपड़े जो डाल दी थी ना, धूप भी बहुत तेज थी तो बस सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि जो सूख गए हैं इनको ले लेती हूँ, क्योंकि मिनटों में ही बादल होके अंधेरा होके बारिश हो जाती है, मिनटों में ही जो है बारिश के बाद धूप भी आ जाती है। अभी अजीब सा मौसम चल रहा है, पता ही नहीं चलता मौसम का कब बारिश होगी कब धूप आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो सूख गए हैं तो उतार लेती हूँ, बाकी जो भी नहीं सूखे होंगे उनको उलट पुलट कर दूँगी। तो बस वही जो सूखे कपड़े मैं उतार ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।